अस्सलाम वालेकुम सेवेंथ क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज़ नंबर मीन्स सिंगुलर प्लुरल एडवर्ब एंड वर्ब एंड इट्स काइंड। ओके, फर्स्टली हम जो ये आपके है पेज नंबर 14 पे आपको मिल जाएगा आपकी ग्रामर पार्ट पे, ठीक है। सिंगुलर प्लुरल जो है हम वो करेंगे। फर्स्टली सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर व्हेन अ नाउन When a noun means one only, के one only is called singular. For example, a boy, toy, tree, etc. ठीक है, एक, ठीक है, मतलब कि जब एक नाउन जो है एक ही हो सिर्फ, तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉय, एक लड़का, टॉय, ट्री, एटसेट्रा। ठीक है, प्लूरल क्या होता है? प्लूरल व्हेन अ नाउन मींस मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा जब नाउन हो तो हम उसको कहते हैं प्लूरल। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बॉयज, टॉयज, ठीक है, इस तरह के हम ले लेंगे। अब हमने जो इसके पढ़ने हैं वो रूल्स पढ़ने हैं कि रूल्स क्या होते हैं इसके, उसको फॉलो करते हुए हमने इसके प्लूरल बनाने। तो फर्स्ट रूल इज़ मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। ठीक है, अक्सर जो कह रहे हैं नाउन जो होते हैं वो सिर्फ एस को ऐड करने से प्लूरल बन जाते हैं, यानी जमा बन जाते हैं टू द एंड ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये मैंने फॉर्म्स जो हैं कुछ ली हुई हैं, एग्जांपल्स के तौर पर हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एप्पल, एप्पल्स, जस्ट हमने एस ऐड करना है। काउ, काउस, friends, friends, room, rooms, teacher, teachers। ठीक है, हमने just add किया s और इस तरह से हमारे plural बन गए। ये rule number वन है, ठीक है, ये rule number वन है। अब हम rule number टू देखते हैं। rule number टू है most noun that ends in double s, ch, s, ck, x, s, o, ठीक है, जस्ट ऐड, वी ऐड ई एस। ठीक है, हम इसमें सिर्फ जहाँ पे आपको नाउन में डबल एस, सी एच, एस एच, एस के, एक्स, एस ओ जो है वो आपको नज़र आया, आप उसको, आपको जो है वो वर्ड के लास्ट पे मिले, तो आपने क्या करना है उसमें जस्ट आपने ई एस का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल, बॉक्स, boxes, class, classes, dish, dishes। तो क्या हुआ, x था लास्ट पे, ठीक है, डबल s था, एस एच था, तो हमने क्या किया, जस्ट ई एस का हमने इजाफा कर दिया। रूल नंबर टू हमने अब पढ़ा, अब हम रूल नंबर थ्री देखते हैं। रूल नंबर थ्री, ये रूल नंबर टू का है भी हैं, थोड़े से हम वो भी कर लेते हैं। फॉक्स, फॉक्सेस, मैंगोज, ठीक है, मैंगो, ठीक है, इस तरह से हम जो है रूल नंबर टू करेंगे फॉलो। रूल नंबर थ्री है, रूल नंबर थ्री है मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ठीक है, ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट वर्ड से जो है उसका एंड हो और उसके साथ प्लस वाई हो, लाइक दिस, तो आपने जस्ट क्या करना है, y को ख़त्म करके i लिख के ई एस लिखना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स पे उसका एंड हो, ठीक है, वॉवल्स ना हो, कॉन्सोनेंट साउंड्स पे उसका एंड हो, प्लस y हो, जस्ट चेंज y टू i, ठीक है, y को आपने i में चेंज कर देना है एंड ऐड ई एस, एंड जस्ट यू ऐड ई एस। फॉर एग्जांपल, आर्मी,
तो हमने वाई को ख़त्म करके आई में चेंज कर देना है और ईएस का इजाफा कर देना। आर्मीज, बेबी बेबीज, ठीक है। वाई को ख़त्म कर दिया, आई लगा दिया, ई एस का इजाफा किया। कंट्रीज, फ्लाइज, ठीक है। लास्ट पे लेडीज, ठीक है। इस तरह से हम जो है रूल नंबर 3 करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। मोस्ट नाउ दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, जस्ट चेंज वाई टू आई एंड एड ई एस, ठीक है। आपने कॉन्सोनेंट साउंड हो जहाँ पे प्लस वाई हो, तो आपने वाई को आई में चेंज करके उसमें ई एस का इजाफा करना है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में आपने क्या करना है, मोस्ट नाउन्स दैट एंड्स इन वॉल्स, वॉल्स प्लस ओ। वॉल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये वॉल्स होते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। इनको वॉल्स भी बोलते हैं, वॉवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिन नाउन्स का लास्ट पे आप, एंड्स पे आप वॉवल्स देखते हैं प्लस ओ, तो आपने क्या करना है, जस्ट एस का इजाफा करना है। जैसे इधर बैम्बोज, बैम्बोज यानी बांस, बांस को हम बैम्बोज बोलते हैं, तो हम जस्ट बैम्बोज लगा देंगे। ओ है उसके साथ कौन से, ये वॉवल्स भी है, ये देखें ओ डब्ल ओ आर, एक ओ वॉवल का है प्लस जो ओ उन्होंने हमें रूल में बताया। आई के साथ आई भी एक वॉल वॉवल है प्लस हमने ओ का इसमें इजाफा किया, तो रेडियो बन जाएगा, ठीक है, रेडियोस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है मोस्ट नाउन्स दैट एंड्स इन एफ, ठीक है। ऐसे नाउन जो एफ पे एंड होते हैं और एफ ई पे, चेंज एफ और एफ ई टू वी, वी ई में, ठीक है। एफ और एफ ई को आपने वी ई में चेंज कर देना एंड लास्ट पे आपने ऐड कर देना एस। फॉर एग्जांपल कैफ, कैफ को आपने करना है सी ए एल, एफ को आपने चेंज, एफ को आपने चेंज कर दिया वी ई में, लास्ट पे एस। कैप्स, हाफ्स, एफ को ख़त्म किया ई एस, लास्ट पे एस, ठीक है। आगे लास्ट पे ई एफ आ रहा है, हमने क्या करना है, के आई एफ ई एस, लास्ट पे एस। लीव्स, लीव्स, सेल्व्स, ओके सेल्व्स, थीफ, ठीक है। हमने क्या किया ई एस, इस तरह हम कर थीव्स लगाएंगे, ठीक है। हमने जस्ट एफ को ख़त्म किया, वी ई एस लगा दिया। रूल नंबर 6, मोस्ट नाउन दैट एंड्स विद एफ, ठीक है, जो एड एस, ठीक है। ऐसे नाउन जो जस्ट एफ पे जो हैं ख़त्म होते हैं, आपने जस्ट उसके साथ एस का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल बिलीव, बिलीव से बिलीव्स, बिलीव्स। शेफ्स, शेफ से शेफ्स, इसी तरह हमने एस लगा देना है। प्रूफ्स, रूफ, ठीक है। आज हमने जो है रूल नंबर जो है 6 तक हमने रूल जिसके करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने है करना है वर्ब एंड एडवर्ब। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर समथिंग, से समथिंग, समथिंग अबाउट नाउन, नाउन्स एक्शन और एक्टिविटी, ठीक है। आपको से थोड़ा डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ना जो है वर्ब फर्स्टली जो है इज काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। वर्ब
इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके सो ये क्या होता है वर्ब. वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट नाउंस एक्शन और एक्टिविटी. ठीक है, वर्ब क्या करता है, हम वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ब एक काम होता है जो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जो हमें बताता है नाउंस के एक्शन और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में. ठीक है, कि वो क्या करता है, नाउन क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो उसके बारे में हमें बताता है. ये थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव नाउन वर्ब, सॉरी ट्रांसिटिव वर्ब. इन ट्रांसिटिव वर्ब एंड लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, थ्री टाइप के होते हैं. अब हम वन बाय वन जो है एक डिस्क्राइब करेंगे. अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है, इसकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं. इट इज अ वर्ब द एक्शन इन विच द एक्शन ऑफ एक्शन इन विच द एक्शन पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज़ अ वर्ब, एक वर्ब है. इन ये एक फेल है, इन विच जिसमें द एक्शन पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल, द टीचर पनिश्ड, पनिश्ड द बॉय. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉय. ठीक है, और पनिश्ड हमारा वर्ब है. ये अब ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ गया है. ठीक है, और बेसिकली ईडी वाले जो होंगे वो आपको पता इजीली पता चल जाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई कर लोगे. ट्रांसलेटिव वर्ब ईडी वाले जितने भी हैं वो ट्रांसलेटिव वर्ब भी कहलाते हैं. ठीक है, तो ये जो वर्ब है वो गया है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट जो है हम करते हैं हेल्पिंग. अब हम जो है ट्रांसिटिव, पहले हमने जो है ट्रांसिटिव किया, अब हम इंट्रांसिटिव वर्ब करेंगे. ठीक है, अब इंट्रांसिटिव क्या है, इट इज़ अ वर्ब इन विच In which the action does not passes from subject to object. ठीक है, उसमें जो था वो ये था कि subject to object जो है एक्शन पास होता था, लेकिन इन ट्रांसिटिव में क्या है, एक्शन जो है यानी काम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता. एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, इस सिंपल सा है, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. जैसे ही लाफ, ही लाफ. सेकंड देखें, शी कुक्ड, शी कुक. ठीक है, सिंपल सा है. इसमें क्या है कि ट्रांसिटिव में जो है वर्ब ऑब्जेक्ट जो है लाजमी होता है. ठीक है, लेकिन इन ट्रांसिटिव में क्या होता है, जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ठीक है, हम जो है इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते. आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने जो एग्जांपल यूज़ की है वो जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, इसमें उसने कहा है द एक्शन डज नॉट पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे. हेल्पिंग वर्ब इसकी थ्री टाइप है. ठीक है, वर्ब की इट इज़ वेरी सिंपल हेल्पिंग वर्ब. अब मैं आप इसकी डेफिनेशन देखें. हेल्पिंग
verb are those. That those verbs which are used with main verb means transitive or intransitive जो है वो main verb जो है वो कहलाते हैं main verb to make sentence. ठीक है ठीक है, आपको तो हेल्पिंग वर्ब से इजीली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये क्या है. ठीक है, वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है आर दोज वर्ब विच आर यूज्ड विद मेन वर्ब टू मेक द सेंटेंस, जो वर्ब को मेन वर्ब के साथ मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, डू, डज, डिड, has, have, had, okay, ये transitive verb कहलाते हैं. ठीक है, ये helping verb होते हैं, हम sentence में आपको पता है हम use करते हैं ये. ठीक है, हमने main verb जो है हमारा उसके साथ use करते हुए हम sentence बनाते हैं, उन्हें helping verb कहते हैं. ठीक है, हमने three जो है types पढ़ी verb की. First है transitive, second है intransitive and last है helping verb. Okay, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है. अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब. एडवर्ब हमने लास्ट पे पढ़ेंगे. एडवर्ब, एडवर्ब इज आल्सो द काइंड ऑफ, आल्सो द काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है. ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है? एड वर्ब. ठीक है, वर्ब में हमने ऐड करना है. ठीक है, सिंपल सा है, इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ. एन एडवर्ब एडवर्ब टू यूज्ड, यूज्ड टू मॉडिफाई, सॉरी इज यूज्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई द ना द वर्ब. ठीक है, हमने वर्ब को मॉडिफाई करना है, यानी वर्ब के बारे में मज़ीद बताना है, तो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं इन द सेंटेंस. ओके, जो है इसको कहते हैं, ये ज़्यादातर जो है स्टार्ट होते हैं मैनी एडवर्ब्स. मैनी एडवर्ब यूजली स्टार्ट विद, यूजली एंड इन, यूजली एंड विद ly. ठीक है, मोस्टली जो हैं जो एडवर्ब्स हैं वो ly पे एंड होते हैं. ठीक है, ये हमें जो हमें ये बताता है, एडवर्ब बताता है एक्शन जो है कब कहाँ कैसे जो है वो किस तरह से शो हुआ. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है एडवर्ब की एग्जांपल है जैसे स्लोली, स्लोली ly लगा दिया. ठीक है, स्लोली, quickly, suddenly, इस तरह की कई examples. ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी. वेरी इजी, आपने इसकी जो डेफिनेशंस याद करनी है वर्ब की और एडवर्ब की, और जो है आपने नाउन जो है आपने पढ़ना है, सिंगुलर प्लुरल जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है. आज का आपका इतना ही लेसन है. अल्लाह हाफिज़.